To your own channel Super Mom's Recipes. ये है आज का हमारा सारा मटेरियल। कोई गेस कर सकते हो आप? मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। ये है मोज़रेला चीज ग्रेट करा हुआ 1 कप, मैदा है, ये देखिए पिज्जा सीजनिंग, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, ये है ईस्ट पाउडर, और ये चीनी, ये बीन्स और कैरेट कटी हुई, ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है 1 कप के ऊपर, ये है फ्रोजन कॉर्न्स। कुछ आइडिया लगा सकते हो आप? प्लीज गेस करो। यस, आई विल गिव यू अ सरप्राइज। एक बार अच्छे से देखो क्या है ये। बहुत इजी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ये डो बनाने से। हम लेंगे सबसे पहले 1 कप मैदा, मेजर करके लेंगे। मेजर करके लेने से हमें पूरा एस्टिमेट रहता है कि हमने क्या कितना कप डालना है। तो ये देखिए 1 कप, 1 फुल कप मैदा। हम इसको बॉल में डाल लेंगे और ये लगभग 1/2 चम्मच ड्राई यीस्ट मैंने डाल दी है इसमें, और लगभग 1/2 टीस्पून ये मैंने सॉल्ट डाल दिया, ये 1 स्पून मैंने शुगर ली हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डालेंगे ये रिफाइंड 1 से 1.5 चम्मच। इसी के साथ ही हम डाल देंगे ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लेंगे ये लगभग 1/2 टीस्पून। तो हम थोड़ा सा इसको मिक्स करके अब इसको हम गूंदेंगे। इस स्टेज पे हम ये इस पे ऑयल लगा के इसको रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो रेडी हो जाएगा तो हम अवन को प्री हीट कर रहे हैं। हमने ये बेकिंग टिन ले ली है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ब्रशिंग कर देनी है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से ऑयल कर लिया है, ग्रीसिंग हो गई है इसकी। तो ये देखिए हमारा ये डो रेडी हो गया है बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए हम इसमें से डो निकालेंगे और हल्का सा हम ऑयल इसको लेंगे अच्छे से ग्रीस करके, और हम इसको इसके बॉल्स बनाएंगे। And then we'll make a chapati of it. Not that patli wali, bilkul nahi banani. Medium size rakhni hai. Bake karna hai, to isliye hume jyada wo patli nahi rakhenge hum. Ye dekhiye, acche se humne ye bana li hai. Isme hum ye jo humne stuffing banayi thi, wo iske center mein place karenge.
डिजाइन हम कोई भी स्टाइल हम कोई भी बना सकते हैं, भी बना सकते हैं, पर हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम इसमें स्टफिंग थोड़ी सी ज्यादा डालें। यहाँ पे हम एजिस पे पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद हम इसको अपनी डिजायर्ड शेप में हम इसको मैं इसको सिंपल ये रख रही हूँ और फॉक की हेल्प से हम इसके एजेस को अच्छे से क्लोज कर देंगे। ये देखिए तो ये देखिए हमने ये अवन में रख दिए हैं बेक होने के लिए। तो ये देखिए इसकी ब्राउनिंग अच्छे से हो रही है। इसको और 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये हमारा बेक हो जाएगा कंप्लीट। हमारे ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको बेकिंग अवन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हॉट रोल्स रेडी। ये देखिए ये हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं और मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें बहुत सारा चीज है। इसका ये टेक्सचर देखिए, आप भी बनाएं एक बार ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं आपके कैसे बने ये। So keep watching my channel. Thank you.